वेगन पीनट बटर और वेगन फ्रूट सैंडविच बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ बेहद टेस्टी भी है। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ वेगन पीनट बटर और वेगन फ्रूट सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना काफी इजी है और इसका टेस्ट ऑसम होता है। इसे अपना किचन में जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर वेगन पीनट बटर और वेगन फ्रूट सैंडविच। पहले हम वेगन पीनट बटर बनाएंगे और इसे बनाने के लिए मैंने लिए है करीब आधा कप मूंगफली, 3 से 4 बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल, 3 सीडलेस खजूर और 2 से 3 चुटकी नमक। मूंगफली को 2 मिनट के लिए हाई पावर में माइक्रोवेव कर लें और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये काम आप तवे पर भी कर सकते हैं। तवे में मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मूंगफली को रोस्ट कर लें। मूंगफली रोस्ट हो गया है, अब हम इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे और उसके बाद छिलका निकलकर साफ कर लेंगे। अब इन रोस्टेड और क्लीन मूंगफली को ग्राइंडिंग जार में ऐड करें और इसे ग्राइंड कर लें। मूंगफली ग्राइंड होने पर इसमें खजूर ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल ऐड कर दें, और नमक ऐड कर दें। अब इन सारी चीजों को एक साथ एक और बार ग्राइंड कर लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा सुपर टेस्टी वेगन पीनट बटर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चों इसे मांग मांग के खाते हैं। चलिए अब हम फ्रूट सैंडविच बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 केला, 1 एप्पल और कुछ ग्रेप्स। फ्रूट्स को हम स्लाइसेस में काट लेंगे, आप छोटे छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं। फ्रूट्स कटने के बाद हम ब्रेड स्लाइसेस को टोस्टर में 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ब्रेड थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। अब ब्रेड स्लाइसेस में पीनट बटर स्प्रेड कर दें। एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर केला, अंगूर और सेब ऐसे अरेंज कर दें। अब इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर स्प्रिंकल कर दें और हमारा वेगन फ्रूट सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय मस्त किचन।